रब की बातें करूं तो हेटर वो चीखा, मजहब की बातें ना किया कर, हो जा सीधा। मजहब से तू इतना ही चिढ़ता है तो घर में पड़ी क्यों तेरे गुरु ग्रंथ कुरान। मेरी लिखाई कंपेयर करे तो चर्सियों से, रब के सिपाही को मिलाई पतली लकड़ियों से। फोकस इनका रैप से ज्यादा एस पे, दोनों फेम के भूखे छुपे हिप हॉप की वर्दियों में। निजी को डिस करें जो सच्चा लिखा रही है, घमंड और गुरूर इन तिनकों पे हावी है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर बॉय मंसूर फ्रॉम पाकिस्तान। तो कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल ठीक होंगे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फेसबुक और यूट्यूब। अच्छा, एक दो दिन से ना बहुत ज़्यादा जो है ट्रॉल हो रहा था चैन के, और एक वीडियो थी जिसके ऊपर जो है रील टाइप की थी, उसके ऊपर ना लोगों ने बहुत इसको ट्रॉल किया। हमारे जो पाकिस्तानी हिप हॉपर्स हैं ना, उनके फैंस ने बहुत ज़्यादा इस बंदे को ट्रॉल किया। तो उस टाइम तो मैंने भी देखा, मैंने भी कहा यार इसको क्या हो गया, बिल्कुल ही टेम्पर लूज हो गया इसका, और क्या हरकतें कर रहा है। लेकिन उसके बाद जिस टाइम इसका गाना 0.2.0 आया ना, असली हिप हॉप, इससे पहले भी एक आया था उसमें तला अंजुम लोगों को इसने डिस किया हुआ था, और बादशाह और ईच एंड एवरीथिंग इंडस्ट्री को, अगेन इसने पूरी की पूरी इंडस्ट्री को जो है ना, अभी राइट नाउ लोग एक दूसरे को लाइक तला जो है नेजी को, और ये जो है क्या नाम है कृष्णा और रफ्तार वगैरह एमी वे, और ये आपस में लगे हुए ना, तो चैन ने एक दफ़ा फिर से जो है एक नया वही वाली बात है चीज़ फेंकी है मार्केट के अंदर, और सबको डिस कर दिया, पूरी की पूरी इंडस्ट्री को डिस कर दिया। और राइट नाउ ना दिस सॉन्ग ऑन ट्रेंडिंग, राइट नाउ 5 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है म्यूजिक के अंदर। तो गाना तो है लेकिन है 18+, इसके अंदर जो है वर्ड्स बहुत ज़्यादा जो है स्टार्टिंग से ही शार्प हैं, तो अगर सुनना है तो आप सुन सकते हैं, नहीं तो। लेकिन बीच में कुछ पोइट्री इसमें आई है जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी, जहाँ पे आई है मैं वहाँ पे पॉज करके आप लोगों को लाजमी बताऊँगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, और हेटर शेटर जो भी वाला सीन होगा तो देख लेंगे किस लेवल पे जाता है गाना। चैन का करियर तबाह कर गए पिंकी दो चर्सी तला, हिप हॉप में कुछ नहीं कर सका चैन, फेम के लिए सबके पीछे पड़ा। लड़की रैप सुन जरा, कंगना को तूने रंडी क्यों कहा, हाइप का भूखा तू हाइप का भूखा, मजहब की बातें करके मत पका। फिर मैं क्या करूं, सबको हिला के दिखाऊं या गंद लिरिक्स में मिला के दिखाऊं, तला की तरह क्या मैं चर से फूकूं या व्यूज अमीबे को डिस करके लूटूं या नोरा। अच्छा, स्टार्टिंग में ना सिर्फ पॉज इसलिए किया, अगेन डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि पहले ये 18+ लिखा हुआ है तो इस चीज़ को देख लें, बट इट्स अ कम्प्लीटली रियलिटी जो जो मतलब कि इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें हैं ना, और जिस इस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहा है, तो इस चीज़ को जो है ना जस्ट फील के तौर पे और विदाउट हेट और उसके जो है ना टैलेंट के हिसाब से सिर्फ इसको गाने को सुन लें तो अच्छा लगेगा आप सबको। नो डाउट ही डूइंग रियली गुड मैन, और बहुत अग्रेसिवली जिस तरह वो आया ना फेस आया स्टार्टिंग के अंदर बहुत अग्रेसिवली। प्लास्टिक के दिखाऊं गुब्बारे दिन रात जिसने चाटे भूषण को मार के, मैं सच बोलूं तो हेटर्स की हट्टी है क्या बादशाह, टट्टी नहीं है। अजीब से हिप हॉप के नजारे क्यों मोटे पांडे गधे को ऐसे जज बना रहे, अखीर लिखा रही इसके क्यों उठा रहे, क्योंकि ब्रांड डील्स इनको मिलेंगे सारे। ओ ये बात तो तभी रैपर से सर झुका रहे, क्योंकि रैपर्स को रैपिंग से घर चलाने ब्रो, तभी मुंह पे लगे इनके ताले लिखारी, तभी ये कमर्शियल्स बना रहे सारे रैपर्स, ये हो गए कमर्शियल, हनी के शाउट आउट पे प्राउड उछल कर बेवकूफ पॉलिटिक्स, ये समझते नहीं बंदर हनी के शेयर करे उसे हिप हॉप के अंदर काला धन कमा के, रिस्पेक्ट के ये भूखे पर कट्टर हिप हॉप इन वन बीस पे थूके हनी बादशाह, अश्लीलता से मशहूर थे यकीन नहीं किसी को मेरा, तो दिलन से पूछ ले वे ये बात है। हिप हॉप का गाली या कमेंटों में पर्दे उठा रहा हूं, क्योंकि मैं गरीबों से भूल गए खुदा को, ये थूके मजहबों पे अल्लाह भगवान रब ढूंढे शैतानों में, गानों में सुनते नहीं गंदिया फहाशी, रेसिज्म इनकी रब से नाफरमानी, बच्ची बाजी नशा या। अच्छा, ये जो बीच के अंदर इसने कहा है ना कि अल्लाह कुरान और ये सारी चीजें ढूंढे गानों के अंदर, तो एक जो है ब्लॉगर है आई गेस उसका ना मैंने क्लिप देखा था, मुझे वो नाम नहीं याद, वो लड़की सी है, तो शी सेड के जी एक गाना है उसमें मुझे लगता है जिससे अल्लाह मेरे से बातें कर रहा है, तो आई गेस ये उन चीजों को जो है ना चैन ने बड़ा डीपली इंडस्ट्री को जो है ना वही वाली बात है सुन के फोकस करके न्यू ब्लॉगर्स को देख के बिल्कुल कम्प्लीटली उसको जो है ना एक मिक्स करके जो है चीज जो है मार्केट के अंदर फेंक दी है, और बहुत बहुत डीप जो है ना लिरिक्स जो है, नो डाउट एवरीथिंग। यार मैं हर बंदे का जो है ना रिस्पेक्ट करता हूँ, हर बंदे को सुनता हूँ, म्यूजिक हर तरह का सुनता हूँ, लेकिन कुछ रियलिटीज हैं। पिछले गाने में भी जो है अभी जो है वो क्या नाम है उसका सिंगा जो है उसका भी इंडस्ट्री वाला एक गाना आया हुआ है, उसके अंदर भी बहुत रियलिटी है, उसको भी मैंने कवर करना है। तो जरा थोड़ा सा मैं बिजी था, तो अब मैं कहा यार इसको तो नहीं भी छोड़ सकता, ये पहले जो है इसके गाने मैंने सुने थे बहुत अच्छे थे, तो चले आगे करते हैं, कोशिश करता हूँ पॉज ना करूँ।
को बदमाश इनके टॉक भाई भराम खोरा शराबी रब की बातें करूं तो हेटर वो चीखा मजहब की बातें ना किया कर हो जा सीधा मजहब से तू इतना ही चिढ़ता है तो घर में पड़ी क्यों तेरे गुरु ग्रंथ कुरान मेरी लिखाई कंपेयर करे तो चर्सियों से रब के सिपाही को मिलाई पतली लकड़ियों से फोकस इनका रैप से ज्यादा एस पे दोनों फेम के भूखे छुपे हिप हॉप की वर्दियों में नेजी को डिस करें जो सच्चा लिखा रही है घमंड और गुरूर इन तिंको पे हावी है चिड़िया तप रहा है सुन के कौन तला वही तला जो बना नहीं सका कौम तबा नेजी पे डिस पूरी बात पे इतनी सी डार की बारी आई तो तू भी की बिल्ली जाहिर डार से फटती हर किसी की डार तो निकाल दे बोहेमिया की पिशी नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ बोहेमिया भी अच्छा राइटर है लेकिन पैसा नशा प्यार पैसा सिर्फ हलाल नशा ईमान पर प्यार सिर्फ अल्लाह एग्री ना सर आगे किसी इंसान के नादर उतार दिस वर्ड काले नादर के बोल रब की तलवार है नादर के बोल ज़ुल्फ़िकार है अली की डोर में बहुत अच्छी मैं एक नहीं सो मैं पाकिस्तानी कौम मैं पूछे जो कौन मैं असली दोनों तलाओं का सबसे बड़ा खौफ हूँ मैं कृष्णा को लैब मिली चैन की वजह से बादशाह रफ्तार ने दिए शहर दबा के करियर क्या बनता दोनों का वरना ये नशों में चरसों में कब के मर जाते झूठी सक्सेस दुनिया को दिखाता नहीं अपने फैंस को चरसे में पिलाता बहुत अच्छा यार कलम भरा घर का किराया नहीं रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं क्लियर कर दिया तीन दफा बोल के झूठ का जर्रा भी कागज पे लाया नहीं He is outstanding man. Next level le gaya. Next level. बहुत insane. बहुत अवाम असली लिखारियों की करे कदर जो सरेआम झूठ से लड़े रब ऐसे जिहादियों पे करे फखर फरेबी बेगैरत झूठी जबान साथ दज्जालियों के खड़े चवल नादिर मैदान पे जब तो सब हरामियों का करे हश ये लाज रूहानी का सोच के यूनेस की टांग ये आज भी काम थी इन दोनों का बाप मैं मेरी वजह से बने पर अवाम ये नहीं जानती पुरानों से पूछ लो बताएंगे वो किससे जब मशहूर मैन से भी पुरानों से पूछ लो जाके असल उर्दू रैप शुरू किसने की अपनी और एमिवे की शक्ल मैं देख रहा हूँ इनकी थंबनेल की तस्वीरों में बिल्कुल कहते हैं हाई कपू का मैं तभी डिस करूं लड़ूं इन दो कीड़ों से तंकीद करें कुत्ते ये भौंके कमाता हूं मैं करके बातें इस्लाम की हाँ लिखता नहीं चर्चों पे पैंटीज पे पेप्सी के एफसी पे दोनों ये लांती फलस्तीनियों की शहादत के बाद भी ये खाते यहूदी का चारा बस हम शक्ल ये कौम तबा कर दे तबा इनका सुख और करियर ये सारा बहुत अखीर यार सीरियसली मैन रूहे जगारा भी कैसे बुहारा बद किरदार ये कोई इतने मुनाफिक ठूके मेरा इन पे नफ्स हमारा शुक्र करूं मैं रब का भर दूं घर का वक्त पर किराया अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा घर में जितना भी कुछ पहले से सब ज्यादा रैप लिखाई कला हमेशा से मेरे लिए सच बोलने का जरिया था समझ नहीं आती क्यों तपता मेरे पे राज जोन्स या रोहन करियापा रैप और रोहित को सलाम मेरा बायस हुए बगैर देखे जो काम मेरा गधे जो बके चैन की लिखारी रैपर नहीं हिप हॉप न्यूज में आखिरी तरह क्यों नाम मेरा पैगाम मेरा अगर ये लिखाई नहीं तो पूरा ये हिप हॉप झूठा निहाई थी इतनी मशहूरी के बाद भी दिखाई नहीं देता के अभी तक बिकाई नहीं वो इनको परवाह नहीं है कि यूथ जवान लोग जो ये लिख रहे हैं जो ये दिखा रहे हैं उसे किस तरह इन्फ्लुएंस होगी बेशक यार मुंह में ले लिए कोई हिप हॉप लिस्ट नहीं है मेरे पास फाड़ के फेंक दिए हिप हॉप लिस्ट बस गिनती के दो तीन रह गए बाकी बस व्यूज के पीछे स्टोरी लगा रहे होते झूठे सांप लाश बेज़मीर लानती लोग डैम it's the ad okay just ignore it damn he's so good man seriously so good bahut bahut akhir yaar trust me bahut akhir like I just want to say one thing ke it's a completely fact people just troll him and jo hai wahi wali baat hai reels and other thing ke isne jo hai wo ek jo hai frustration wala bhi recently ek video aaya tha reel thi jiske andar na logon ne isko bahut troll kiya bahut zyada troll kiya I agree with him लेकिन भाई जान ये रैप के साथ ना कम्प्लीटली फैक्ट था ये पूरी फैक्ट की दुकान थी लाइक एक एक वर्ड एक एक वर्ड एक एक चीज बिल्कुल फैक्ट्स के साथ आ रहा था हर चीज
मुझे आज भी याद है यार, जिस टाइम जो है इसको मैं सुना करता था ना, इसका खास करके मुझे गाना सबसे अच्छा लगा था, मेरी जिस्म मेरी मर्जी, इस पे किसी का कोई हक नहीं। और एक वो माँ वाला गाना था जिसके अंदर जो है इसने बताया था कि जो है आई गेस मदर और बिल्कुल जो है फादर जो है उनके ऊपर जो गाना लिखा था, वो भी बहुत खूबसूरत था। फिर एक वो लड़के के साथ जो है क्लैप था, वो भी बड़ा अच्छा था, जो स्कूल कॉलेज के अंदर जो है पता नहीं किस तरह की शक्ल तेरी ऊपर से पिंपल की हवेली, वो वाला गाना भी अच्छा था। ये असली जो है ये भी सुना हुआ है। इसके गाने नो डाउट हिप हॉप बहुत अखीर आया। एंड आप किसी को जो है देखो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि वो इस्लाम की बातें कह रहे हो, जिस मर्जी की उसका कंटेंट है वो किसी भी चीज के ऊपर जा सकता है। इससे आप लोग बेशक मेरे साथ एग्री करो ना करो, आई डोंट केयर यार, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन भाई जान मानना पड़ेगा कि चैन ने जो है ले लिए सारों के लिए और बड़े अच्छे करके लिए। इस चीज से कोई अगर जो है वो कहता ना कि नहीं भाई दूसरे रैपर्स ये अच्छे हैं, ये है वो है, तला बहुत अच्छा रैपर ठीक है, यूनस ये तला यंगस्टर जो है नो डाउट इनके वर्ड्स अच्छे हैं, अच्छी यूथ को जो है वो किया हुआ इन्होंने काबू किया हुआ बहुत अच्छे तरीके से। खास करके जेंसी गाना बहुत अखीर था, नो डाउट मैन। जैनब वाला गाना भी बहुत अखीर था जहाँ से इनको हाइप मिली और आउटस्टैंडिंग, इसमें कोई वो नहीं है, गाने बहुत अच्छे हैं इनके। फिर अभी भी रैप्स आए हैं बहुत अच्छे, फिर जो है नेजी को जो है डिस करना, फिर नेजी ने रिटर्न में करना, ये सारा कुछ देखा। इस प्लेइंग ईच अदर लाइक आपस में एक हिप हॉप के सर्कल में खेल रहे थे, जैसे ने उस सर्कल को तोड़ा है चैन ने, सर्कल को तोड़ के पूरी इंडस्ट्री में फेंक दिया। वो जो क्लैब का कह रहे हैं ना कि क्लैब मिला कृष्णा को, उससे उससे पहले एक डिस आ चुका था चैन का, और तला यूनस और ये सारे ना एक दूसरे को आपस में, तला ये चैन और ये आपस में एक दूसरे को डिस मारना शुरू कर दिया था इन्होंने। फिर उसके बाद जो है वो बॉर्डर पार जो है कृष्णा के साथ जो है, लेकिन बादशाह के साथ ये पहले से जो है इसी तरह कनेक्टेड था और अभी भी इसने वो ही रिटर्न किया है। इसके अंदर जो एक वर्ड आया था ना वो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो बहुत खूबसूरत था वो आई गेस लेट मी चेक। हाँ यहाँ से जो वर्ड्स है ना ये काइंडली एक दफा जो है दोबारा सुनेंगे, ये बहुत आउटस्टैंडिंग थे वाकई, जो है रोंगटे खड़े हुए जिस लेवल पे उसकी आवाज थी। डार की बारी आए तो तू भी की बिल्ली, सारे डार से भगती हर किसी की, डार तो निकाल दे बोहेमिया की पिशी। यहाँ से पैसा नशा प्यार, पैसा सिर्फ हलाल नशा है, मान को और प्यार सिर्फ अल्लाह को। बहुत आखिर लगे किसी इंसान के नादर उतार देगा झूठों की खाल है, नादर के बोल रब की तलवार है, नादर के बोल जुल्फिकार है, अली की डोर में झूठ की मौत में एक नहीं सौ, मैं बहुत आखिर दोनों तलहों का सबसे बड़ा खौफ मैं कृष्णा को ले मिली चैन की वजह से, बादशाह रफ्तार ने दिए शहर दबा के, करियर क्या बनता दोनों का वरना ये नशों में चरसों में कब के मर जाते। ये बात तो है भाई, क्योंकि वो जिस तरह प्रमोट कर रहे हैं ना लाइक, अब लोग बेशक इस पे नीचे आके कमेंट करें डिसलाइक करें आई डोंट केयर, लेकिन जो है ना ये बात सीरियस बात है कि हम लोगों ने ना जो है हिप हॉप एज अ स्टार्ट जो हुआ, हिप हॉप हो गया आपका ठीक है, स्ट्रीट डांस हो गई, ये एज अ जो है अगर आपकी हिस्ट्री जो है पुराने उसमें जाके देखें तो जो वो नहीं थे हमारे नेग्रो नाइजेरियन, ये डांस वगैरह और ये सारा कुछ ब्रेक डांस और ये सारा कुछ ना एज अ प्रोटेस्ट क्रिया करते थे एक दूसरे को, वो भी डिस करते स्ट्रीट के अंदर यार हुड्स के अंदर एक दूसरे को, वो भी लेते हैं सही अच्छे से करके करते हैं, लेकिन वो ना एक प्रोटेस्ट चल रहा होता है। हमारे यहाँ पे क्या हो गया कि जी हिप हॉप को क्या कर दिया, हिप हॉप को हम लोगों ने जो है वीट के साथ फुल टाइम टोन रहना है, दिमाग पे चढ़ी हुई है तभी जो है हिप हॉप कर सकते हैं, अगर जो हिप हॉप करने वाला चर्स नहीं पीता या वीट नहीं पीता स्टफ वगैरह नहीं फूंकता तो वो कूल डूड नहीं लगेगा, ऐसे नहीं है। इंडस्ट्री में और भी बहुत लोग अच्छे काम कर रहे हैं, एमिवे को देख लें, एमिवे बिल्कुल इंडिपेंडेंट जो है काम कर रहा है। और बीच में जो वर्ड आए थे ना कि पेप्सी के जो है स्पॉन्सर्स पे और देख रहे हैं फलस्तीन का, तो फ्री फलस्तीन सपोर्ट फलस्तीन, भाई नो डाउट इसमें कोई चक्कर ही नहीं है, मुसलमान भाई हैं हमारे और हम लोग तो वैसे भी जो है बहुत अरसे से लाइक, मुझे तो पता है कि जब से जो है हाशिम पाकिस्तानी है उससे पहले उसने हमें जो है कह दिया था कि भाई जान नहीं पियेंगे हम लोग कोक वगैरह जो है इन चीज़ों से, तो छोड़ दी। बट द सॉन्ग वॉज सो गुड यार मैन, सीरियसली बहुत 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 अच्छे इफेक्ट्स नो डाउट। और अगर आप कमेंट्स भी इसके रीड करेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने का, एंड ही सो मैसिव मैन, सीरियसली चैन का एक गाना भारी पड़ गया आप पे। अब देखते हैं आगे रिप्लाई में क्या आता है, कौन क्या करता है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत था यार, सीरियसली मैन, सीरियसली ही सो एग्रेसिव कम्प्लीटली जो है वही वाली बात है, इंडस्ट्री को जो है ना इसके गाने से अगर ये ट्रेंडिंग पे आए तो इट्स मीन के इसने हिला के रख दी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बस अपना ख्याल रखें, अपने आने वालों का, आसपास जो लोग हैं, और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।